हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अर न्यू ब्लॉग। तो आज हम आए फोटो शूट करने, और यहाँ पे हम लोग आप लोगों को फोटो शूट करके दिखाएंगे डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज से। कई बार क्या होता है कि यार लोग बोलते हैं ना कि हम कौन से लेंसेज ले, कौन से लेंसेज बाय करें बेस्ट फोटोज के लिए। तो अभी आप लोग बताऊंगा तीन ऐसे लेंसेज और आप लोग दिखाऊंगा क्या क्या डिफरेंस। क्या क्या डिफरेंस है इन लेंसेज में। तो गाइस, पहले नंबर पे आ जाता है हमारा किट लेंस। चाहे आपके पास 18-55 हो, चाहे 24-105 हो, कई लोग ना इस लेंस को अवॉइड कर देते हैं। बाइक करते हुए लेंस ज़्यादा महंगा नहीं आता, तो इसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि आप किट लेंस को जरूर से बाई करें, और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। और ये किन किन चीज़ों के काम आता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये हाथ ऊपर रखो, इसके ऊपर ऐसे थोड़ा पीछे, इधर ऐसे थोड़ा इधर, तो जैसे कि देख रहे हो आप लोग, मैं कुछ वाइड फोटोज क्लिक कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में हमारा बजट नहीं होता कि हम वाइड एंगल लेंसेज लें, तो कोई भी किट लेंस जो है वाइड से जूम तक का काम करता है। तो इसमें हम वाइड करके क्रिएटिविटी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी, साथ ही इससे आप कुछ वाइड फोटोज और वाइड व्यू कैप्चर कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं और काफी कमाल की फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और एक काफी चीप प्राइस में रहता है, तो इसीलिए मैं फर्स्ट प्रेफर करता हूँ आप लोगों को किट लेंस। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड इंपॉर्टेंट लेंस की तरफ। तो सेकंड जो लेंस आ जाता है वो है 50mm 1.8। ये लेंस सभी फोटोग्राफर का फेवरेट है, क्योंकि सेकंड नंबर प्रायोरिटी पे यही लेंस है, जो कि काफी चीप प्राइस पे भी आता है और काफी अच्छा भी है। फोटो क्वालिटी काफी अच्छी है, लो लाइट परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, 1.8 इसका अपर्चर है। तो आइए कुछ इसके सैंपल क्लिक करते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा सेकंड जो लेंस आप किट लेंस के बाद अपग्रेड करो, ये 50mm। और जिसके पास 50mm है वो मैं आगे बताता हूँ कौन सा लेंस आपको लेना चाहिए। इतने में आप लोग कुछ इसके सैंपल क्लिक करके दिखाता हूँ। तो गाइस, 50mm से शूट कर लिया, आप लोगों ने देख लिया रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। और 50mm मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेंस है, तो आप लोगों को बाई करना ही चाहिए। एंड थर्ड जो लेंस आ जाता है अगर आपके पास 50 है, उसके बाद आपको अपग्रेड करना है, तो आप करो 85mm लेंस पे। पर 85mm लेंस का जो बजट है 35,000 तक का जाता है, जो कि 1.8 अपर्चर है जिसका। तो मैंने उसका अल्टरनेटिव सर्च किया था, जो कि मुझे मिला 100mm लेंस। तो अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आप लोग एक ऐसा लेंस लेना चाहते हो जो फोटो के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वीडियो के लिए भी, तब आप 85mm ही लो। अगर आप सिर्फ फोटोज़ क्लिक करना चाहते हो तो आप 100mm ले सकते हो, क्योंकि इसमें वीडियो की क्वालिटी, फोकस और ये अच्छे से काम नहीं करता वीडियो शूट के टाइम। वीडियो के लिए मैं रिकमेंड इस लेंस को नहीं करूँगा, पर फोटो के लिए चाहते हो तो मोस्ट रिकमेंडेड है। फोटो इससे काफ़ी अच्छी आती है, तो फोटो को मैं आप लोगों को सैंपल दिखा देता हूँ। तो ये चीज़ है, अगर आप लोग दोनों के लिए लेना चाहते हो 85mm लेंस लो, थोड़ा बजट बढ़ाओ। और ये आपको अराउंड 15,000 का आता है, तो ये ले लो सिर्फ फोटोज़ के लिए। और गाइज, मेरे को 100mm की फोटो क्वालिटी काफी अच्छी लगी, 50mm मोस्ट आप लोगों ने रिकमेंड कर दिया, तो वो भी बहुत ज्यादा बेस्ट है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और आ चुके हैं पीछे हमारे राजपा जी, जो कि फिर वीडियो में नहीं थे, जो फाइनली लास्ट में आ चुके हैं। हमें भी लेनी आपके साथ पहले हम। तो गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राजपा जी के साथ भी जल्दी नई वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।